हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न को देखेंगे जो हम लोग का पेपर में हमेशा रिपीट होता है। और आज का जो प्रश्न जो लिया गया है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से, तो आइए प्रश्न के द्वारा ही समझिए। और हम लोग आज दो टाइप के प्रश्नों को देखेंगे भी, इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। तो इसलिए सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़िए और बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशन ए तथा बी है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 10 बजे, प्रातः यानी क्या, सुबह 10 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेगी, यानी आपको टाइम बताना है कि कितने बजे मिलेगी। अब देखिए कंडीशन क्या है सो समझ लीजिए, उसके बाद एक सेकेंड में प्रश्न आप बना सकते हैं। देखिए एक स्टेशन है और दूसरा जो स्टेशन दिया गया है, स्टेशन दूसरा का क्या नाम है, बी। अब देखिए ए से जो बी की ओर ट्रेन जो चलती है उसका चाल जो दिया गया है कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ रहे होंगे, ठीक है। और बी से ए की ओर जो ट्रेन चलती है उसका चाल कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछे कि दूरी क्या दिया गया है, ए से बी की दूरी बीच के दूरी कितना दिया गया है, तो आप बोलिएगा कितना दिया गया है, 100 किलोमीटर, ठीक है। अब वैसे भी जानते होंगे कि एक घंटा में कितना ए से चलने वाले कितना ट्रेन चलेगी, एक घंटा में तब 20 किलोमीटर, और इधर से इधर चलने वाली ट्रेन कितना चलेगी, बी से ए की ओर तब 30 किलोमीटर। तो आपसे पूछे कि एक घंटा में कितना किलोमीटर का दूरी तय होगा, तो आप वैसे भी बोल दीजिएगा 50 किलोमीटर होगा ना, लेकिन करना है कितना दूरी, 100 किलोमीटर। तो इस टाइप के प्रश्न को रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या, कि अगर इस तरफ से एक ट्रेन जा रही है और इस तरफ से एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, तो दोनों के स्पीड को क्या करते हैं, हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जोड़िएगा तो इसका 20 और इसका क्या हो जाएगा आपका, 30, ठीक है। तो 20 और 30 ऐड किए तो कितना चला है आपका, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितना दिया गया है, ए से बी की दूरी कितना है, तो आप बोलिएगा कितना, 100 किलोमीटर है, तो 100 हो गया, ठीक है। ये किसके बराबर निकल जाएगा आपका, टाइम निकल जाएगा समय। तो इसको अगर इससे कैंसिल आउट करते हैं तो कितना घंटा आपका चलाएगा, 2 घंटा, ठीक है। अब बोला गया है कि वे किस समय मिलेगी, यानी दोनों ट्रेन जो है से कितने रेलगाड़ी कितने समय पर मिलेगी। तो देखिए दोनों कितने बजे चलती है, 10 बजे, और दोनों कितना, 2 घंटा, तो 10 में कितना, 10 बजे जब दोनों चलती है तो 10 में कितना आपको ऐड कर देना होगा, तो 2 घंटा और ऐड कर दीजिए, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 12, ठीक है। यही कितने बजे ट्रेन मिलेगी, तो 12 बजे। आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, इतना हम समझने के लिए लिखे हैं 10 और 2 12, पेपर में इतना लिखना नहीं है, ठीक है। 10 और 2 12 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, लेकिन इससे जो नेक्स्ट जो हम लोग प्रश्न देखिएगा थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिएगा उसमें आपको समझना है, इसलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा। हो सके तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, तब हम लोग देखते हैं अभी और नेक्स्ट टाइप का इसी से रिलेटेड आपका प्रश्न रहेगा। तो चलिए उसको भी आप देख लीजिए। इस प्रश्न को देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए, क्योंकि इस प्रश्न में पहले वाला से थोड़ा सा आपका चेंजिंग है, और उस चेंजिंग को जब प्रश्न जब पढ़िएगा तो क्या चेंज है आपको पता भी चल जाएगा, थोड़ा सा है। तो प्रश्न जो दिया गया है, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे, बस यही आपका प्रश्न में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ 7 बजे चलती है और यहाँ 8 बजे, और पिछले वाला प्रश्न में आपका टाइम जो था दोनों एक ही टाइम था, सेम टाइम था, यही चेंज है और यही समझना है। बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, वे किस समय मिलेगी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, देखिए अभी जो पिछले वाला प्रश्न देखे तो आपसे पूछे कि ए और बी के बीच की दूरी कितना है, तो आप बी ए से बी के बीच की दूरी कितना बताइएगा, 110 किलोमीटर जो दिया गया है। ए से चलने वाले ट्रेन का चाल कितना है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बी से चलने वाले ट्रेन का चाल कितना है, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, इतना तक आप समझ रहे हैं। और ए से चलने वाली ट्रेन कितने बजे चलती है, तो आप बोलिएगा कितने बजे चलती है, तो 7 बजे, ठीक है। और बी से चलने वाली ट्रेन कितने बजे चलती है, तो 8 बजे,
ठीक है, अब देखिए समझना है ये, हम आपसे पूछे कि 7 बजे से जो ट्रेन चलती है तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगी, सिर्फ 1 घंटा में। तो 1 घंटा में बताइएगा कितना, 20 किलोमीटर, क्योंकि इसका चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखिए मान लेते हैं कि यहाँ से ऐसे बी की ओर जो ट्रेन जाती है तो यहाँ पहुँच जाती है, तो 1 घंटा टाइम कितना लगता है, 1 घंटा, और 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगी, तो 20 किलोमीटर चलेगी ऐसे चलने वाली ट्रेन। अब देखिए यही समझना है, तो इसका भी टाइम 1 घंटा में यहाँ जब ट्रेन पहुँचेगी तो बच जाएगा कितना आपका, तो आप बोलिएगा कितना बजेगा, 8। अब देखिए दोनों के टाइम सेम कर दिए, 8 बजे और 8 बजे। अब यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस आपको पता करना है कि अब कितना रह जाएगा, तो कितना रह जाएगा आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस कितना रहेगा, तो 110 में से अगर आप 20 माइनस कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा, 90। यानी यहाँ से यहाँ के अब जो दूरी रह गया तो कितना रह गया, 90 किलोमीटर। ठीक है, अब 90 और दोनों के टाइम ले लिए, तो अब दोनों के रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे, तो रिलेटिव स्पीड स्पीड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके चाल और इसके चाल को दोनों के जोड़ देते हैं, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो जाएगा, 45। तो 90 बटा कितना लिखिएगा, 45। अब इसी को कैंसिल आउट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 घंटा। ठीक है, तो 2 घंटे के बाद मिलेगी, तो ट्रेन पहले ट्रेन कितना, 8 बजे, तो 8 बजे में आपको क्या करना है, 2 घंटा प्लस कर दीजिए, तो 2 घंटा जैसे ही प्लस कीजिएगा तो कितना बच जाएगा आपका, तो बच जाएगा 10। तो दोनों ट्रेन कब मिलेगी, प्रातः कितने बजे, तो 10 बजे। मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी। इसमें यही याद ध्यान देना है कि दोनों के टाइम को हम लोग एक कर लेंगे, क्योंकि एक 7 बजे चलती है और एक 8 बजे ट्रेन चलती है, तो 8 बजाने के लिए 1 घंटा में जितना दूरी जो तय करेगा उसको निकाल लिए, तो यही 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इससे हम लोग जानते हैं कि ट्रेन 1 घंटा में कितने किलोमीटर चलेगी, 20 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर हम लोग चला लिए, अब यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस जो रह जाएगा अब कितना रह गया, 90 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग रिलेटिव स्पीड ज्ञात कर दिए, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों के चाल जब अपोजिट डायरेक्शन से चलता है तो दोनों के चाल को क्या करते हैं, हम लोग जोड़ लेते हैं, तो ये 20 और ये 25 दोनों जोड़ दिए, 45 समय निकल गया, दूरी बटा समय, सॉरी चाल कुछ दूरी बटा क्या हो गया, चाल समय, तो यही चला है आपका कितना घंटा, 2 घंटा। ठीक है, अब 8 बजे में 2 घंटा हम लोग ऐड कर दिए तो कितना बच गया आपका, 10। तो इसका भी हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इससे रिलेटेड एक और हम आपको प्रश्न जो देंगे होमवर्क में देंगे, ठीक है, और जो लोग का आंसर आएगा वो अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं जो प्रश्न, इसको सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए, और क्या आंसर आएगा आप सबसे पहले वीडियो के रोक लीजिए, और वीडियो के रोक करके आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और जो जो लोग कमेंट करेंगे आंसर सही आएगा गलत होगा उसका हम जरूर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और एक नया ट्रिक के साथ।